हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन होंगे मैंने इन चार रोल पे हैं, सम एंड डिफरेंस रोल, प्रोडक्ट रोल, क्वोशंट रोल और चेन रोल। तो मैं रूल के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको कम रिवीजन करने में ज़्यादा रिवीजन हो जाए और कम रिवीजन करने में ज़्यादा याद रहे। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप कम रिवीजन करके भी क्वेश्चंस को एग्जाम तक याद रख सकते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं इसका देखिए, पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट प्रूव दैट, ये प्रूफ करना हमें, ये चीज़ दी हुई है ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले पहचान कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस आ रहा, जब दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस आता है तो याद रहेगा, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिला हुआ है, जब एक्स और वाई मिक्सअप हो तो इसे हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है एंड तक पहले वाई स्क्वायर करेंगे फिर वाई करेंगे। तो एक तरह से ये कंपोजिट फंक्शन भी है, कंपोजिट फंक्शन आता है इस बारे में, यानी चेन रूल भी है, ठीक है। तो चेन रूल भी है इसमें और फर्स्ट वाला भी है। तो जब सम एंड डिफरेंस होता है तो सबका अलग अलग डिफरेंशियल होता है। तो देखो इसको करते हैं स्टार्ट। इसे करने के लिए 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसे करने के लिए ट्रिक है थोड़ी, तो ट्रिक ये है, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने रखा साइन ए और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रखा मैंने साइन बी। यहाँ से मैं ए का मान निकाल लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ए बराबर हो जाएगा साइन बस एक्स स्क्वायर और बी बराबर साइन बस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर या साइन बी, चूंकि स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, एंड इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह क्या है साइन ए और यहाँ पर साइन बी, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर हो जाएगा कोस ए के इक्वल। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर टूर्नामेंट्री से, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और ये यहाँ पर ऐसे रहा साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा, सिंपली आ गया कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी। अब हम दोनों साइड में रूट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ कोस सी प्लस कोस डी का, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो c के स्थान पे a काम कर रहा है, d के स्थान पे b काम कर रहा है। 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ऐसे यहाँ लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर cos a माइनस बी अपॉन 2 a sin a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है समझ आ रहा। इसको इधर ले आएंगे cos a माइनस बी अपॉन 2 sin a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a। cos अपॉन साइन होता है cot, इसको इधर ले जाएंगे a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया कोट इनवर्स a, 2 इधर पहुंच जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 2 कोट इनवर्स a। अब a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a b की वैल्यू कितनी है, a की जगह साइन इनवर्स x स्क्वायर, b की जगह साइन इनवर्स y स्क्वायर। तो अब मैं देखिए यहाँ करता हूँ, तो a की जगह मैंने क्या है पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। तो ए के स्थान पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और बी के स्थान पर साइन इनवर्स वाई स्क्वायर और इधर देखिए इधर ऐसे रहेगा टू कोट इनवर्स ए। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ करेंगे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ है वाई स्क्वायर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशियल लास्ट में वन होता है और जो डिपेंडेंट होता है उसका वही फंक्शन रह जाता है, यानी वाई का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस हो जाए प्लस माइनस में तो सबका अलग अलग डिफरेंशियल होगा, यानी इसका भी होगा। अब चूंकि पहले तो मैं यहां लगाता हूं कोट इनवर्स ए। अब देखिए यहां पर जरा ध्यान देंगे, यहां पर मैं इस चेन रूल लगा रहा हूं ये वाला, यानी चेन रूल में क्या होता है पहले f का होगा फिर g का होगा, यानी पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल होगा फिर अंदर वाले का भी होगा, यानी यहाँ पर साइन इनवर्स का भी होगा फिर एक्स स्क्वायर का भी होगा। तो उसे कैसे करेंगे डिफरेंशियल आप देखेंगे डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स स्क्वायर, ऐसे इसका करेंगे। देखिए माइनस चिन्ह ऐसे था क्योंकि प्लस माइनस में हो फंक्शन तो दोनों का होता है। अब पहले इसका करेंगे डी डी एक्स साइन इनवर्स वाई स्क्वायर और डी डी एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना है जीरो। अब ये कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पे कहीं भी एक्स नहीं है, हमने लिखा डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया जीरो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स के स्थान पर काम करना स्क्वायर और स्क्वायर और होता है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर का और करेंगे वाई स्क्वायर होगा 2y, फिर यहाँ पे y का और किया जाएगा तो y का कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। चेन सिस्टम से यहाँ से देखिए चेन रूल से पहले वाई स्क्वायर का फिर y का और पहले वाई स्क्वायर किया और फिर y का, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे इसलिए जीरो नहीं होगा और ना ही वन होगा। तो यहाँ से क्या आया 2x अपॉन अंडर रूट वन माइनस के x की 4 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई की 4 और ये 2y यहाँ लिख देते हैं dy अपॉन dx या dy ओवर dx, माइनस वाले इधर ले जाते हैं ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब ये चीज़ इधर पहुंच जाएगी तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो गया ये अपॉन बन जाएगा, यानी एक्स अपॉन वाई और ये चीज़ पहुंच जाएगी ऊपर। अब देखिए शायद हमें वही प्रूव करना था, इसको अलग भी ले सकते हैं या पूरे का एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं, बात एक ही होती है। देखिए वो प्रूफ हो गया प्रूव्ड, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट, 2 बार आया हुआ 2012 और 2017 में। साइन वाई बराबर लिखा एक्स साइन ए प्लस वाई देन प्रूव डेट, ये प्रूफ करना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन 4 रूल पे आधारित है, सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल। तो यहाँ पर देखिए ये करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इजिकल टू एक्स यहीं रखेंगे और इसको ऐसा ले जाएंगे तो क्या आएगा इसे ये आएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इजिकल टू एक्स। ठीक है। अब देखिए ये मैंने बना लिया कोशेंट रूल से। तो कोशेंट रूल में कैसे करते हैं, जो नीचे वाला इसका तो स्क्वायर करेंगे और फिर इसी को ऊपर रखेंगे, फिर फर्स्ट न्यूमरेटर का डिफरेंस और फिर माइनस करके उल्टा। तो इसे ज़्यादा फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, उसके हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले तो लाइन लिखेंगे भाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए क्या करना, पहले तो जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना। क्या करना, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करना, इसी को ऊपर लिखना। ठीक, अब जो बचा हुआ आंसर यानी क्या बचा y, इसका डिफरेंशियल करना। और अब इसके बाद माइनस करके उल्टा कर देना। तो माइनस करके उल्टा मतलब इसको छोड़ देंगे और जो पहला बचा हुआ उसका डिफरेंशियल। तो आप फिर समझिए जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, इसी को यहाँ लिखा। ठीक, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई जो ऊपर वाले कर दिया, माइनस करके उल्टा कर दिया। तो जब हम 2-3 क्वेश्चन करोगे ऐसे तो अपना पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1। एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डिफरेंशियल cos y। अब देखिए यहाँ पर चैन रूल लग रहा, पहले साइन का करेंगे फिर y का करेंगे। x होता तो 1 हो जाता, लेकिन y होता है तो डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि y जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 होता लास्ट में डिफरेंशियल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का वैसे ही रह जाता, यानी y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई x। और साइन y यहाँ ऐसी रहा। अब देखिए साइन का करेंगे cos a प्लस वाई, a का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का y का डी डी एक्स ऑफ वाई। बात समझ में आ गई, यहाँ कुछ नहीं करना। अब ये जो इक्वल में है इसे मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। इक्वल में चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आया देखिए, साइन a प्लस, हाँ यहाँ से जरा ध्यान देंगे, दोनों में से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है। क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन, क्या बचा, साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई और कोस ए प्लस वाई, ये बचा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, जरा ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया जरा बताओ। ये बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, बी के स्थान में कितना है यहाँ पर y। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या बचा यहाँ पर, इसको नीचे पहुँचा दीजिए, अपॉन साइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, और शायद हमें यही प्रूफ करना था। देखिए ये आ गया आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया हुआ हमें, ये प्रूफ करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको भी देखो करते हैं। तो यहाँ पे जो y है, y यहाँ पर ऐसे रहा, और ये अंडर रूट 1 के स्थान पे मैं देखिए लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सर समीकरण से। और साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, होता कि नहीं। ऐसे यहाँ देखिए 1 के स्थान पर क्या लिखा मैंने, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, और प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स। ऊपर जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना बताइए जरा, ये बना है cos एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसके जो स्क्वायर है स्क्वायर से अंडर रूट क्या हुआ हट जाएगा, तो वाई बराबर आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, यहाँ से जरा ध्यान देंगे ट्रिक से थोड़ी सी, कॉस एक्स ऊपर से कॉमन ले लेगा मैं, कॉस एक्स नीचे से, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ बटे में जाता है, अपॉन में जाता है, तो कॉस एक्स मैंने कॉमन लिया, और जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ अपॉन में जाता है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अपॉन कोस होता है 10, और यहाँ भी 1 प्लस 10x। ठीक, अब जरा ध्यान देंगे, 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, और ये ऐसी रहेगा, यहाँ 1 ऐसी रहा, यहाँ इंटू में लिख सकता हूँ, देखिए ठीक 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब जरा ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला बन गया है, किसका फॉर्मूला बना बताइए जरा, 10 पाई 4 माइनस एक्स का। अब यहाँ डिफ्रेंस कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसका डिफ्रेंस कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान देना, इसका डिफ्रेंस करेंगे हम चेन रूल से, यानी कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें पहले क्या करेंगे, फिर 10 का करेंगे और फिर इसके अंदर का करेंगे, ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन, और इसका करते हैं चेन रूल से। चेन रूल कहाँ पर है, ये वाला देखिए, एफ जी एक्स, पहले एफ का करेंगे फिर जी का करेंगे, यानी पहले टैन का और फिर इसके एंगल का। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx या dy ओवर dx या ddx ऑफ y। अब देखिए ddx tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और उसके बाद इसका और करना पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो tan का हो गया sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और पाई बाई 4 का देखिए कांस्टेंट डिफरेंशियल क्या हो, जब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा और वेरिएबल ऐसे होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ एक्स का हो जाएगा 1। तो अब देखिए आंसर इज अबाउट टू कम, ये देखिए ये लिखा माइनस का sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस से इधर आगे प्लस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर हो गया प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज रूट। समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स देन प्रूव दैट, ये आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x साइन y, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। कौन से रूल से करना है, प्रोडक्ट रूल से। अब देखो प्रोडक्ट रूल से करते हैं, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स साइन y, एक को फर्स्ट मान लेंगे और एक को सेकेंड, और हम लगाएंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डी डी एक्स ऑफ वाई फर्स्ट ऐसी रहा, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसी रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब इसको ध्यान देना, साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई। अब यहाँ पे देखिए वाई है, तो वाई जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे वाई का और होगा, वाई का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये साइन वाई एक्स इंडिपेंडेंट है इसलिए इसका हो जाएगा 1। इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं, चलिए शॉर्ट नहीं कर रहे, एक्स कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस के एक्स कोस वाई, ये चीज़ अपनों पहुँच जाएगी, ये हो गया साइन वाई और 1 माइनस के एक्स कोस। लेकिन प्रूफ अभी नहीं हुआ, 1 माइनस के एक्स कोस वाई, अब यहाँ साइन वाई, साइन वाई देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से आंसर में वाई आ रखा और इधर देखिए एक्स भी आ रखा, तो एक काम करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, मल्टीप्लाइंग वाई एक्स, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर क्या जाएगा x साइन वाई अपॉन वन माइनस के एक्स कोस वाई। समझ आ रहा है? देखिए यहाँ से एक्स साइन वाई की वैल्यू देखिए, यहाँ से एक्स साइन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वाई लिख सकते हैं। तो कितना हो गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और इसके स्थान में क्या रख दिया मैंने वाई, वन माइनस के एक्स। ये प्रूव्ड हो गया। समझ आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और ये प्रूफ करना। इसे करने के दो मेथड मेरे पास हैं। पहला मेथड तो ये है कि x के स्थान पे कोस रख के भी हो जाता है, पुट रख के x के स्थान पे कोस रख दीजिए और वन काटने वाले फॉर्मूले लगा दीजिए। एक तो ये भी है और एक बिना कुछ रखे भी है। तो मैं जो सेकेंड मैथड है उससे बता रहा हूँ। तो पहले तो मैं लिखूँगा इसको वाई ऐसे ही। अब मैं ऊपर से अंडर रूट हटा रहा हूँ, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं कंजुगेट से गुणा कर रहा हूँ इसकी, ऊपर नीचे वाले के कंजुगेट से। ठीक, तो इसको देखिए क्या ले सकते हैं, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, दो वालों का अंतर है नीचे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाई इज इक्वल टू आ गया। अब देखिए स्क्वायर की वजह से अंडर रूट जो होगा ऊपर हट जाएगा, लेकिन नीचे नहीं हट पाएगा अंडर रूट, क्योंकि अंदर है स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में यहाँ से आया हुआ ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इसको हमें पहले ले जाना है इधर, अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और वन माइनस के एक्स, और दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। ये करेंगे क्वोशंट रूल से, क्या होगा, फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड ऐसे रहा, फर्स्ट का डिफरेंशियल वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे पावर पहले आई, उसमें से एक कम करके इसके अंदर का और करेंगे, वन का जीरो एक्स का वन। सॉरी, अब देखो इसको मैं कर रहा हूँ, वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए टू वाई से मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरी समीकरण को, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, वाई से, टू वाई से। टू वाई से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। टू वाई से मैंने डिवाइड कर दिया तो टू वाई यहाँ से चला गया, क्या बचा यहाँ पे माइनस का एक्स वाई, और इधर टू वाई से डिवाइड किया ना तो ये बचेगा माइनस का वन माइनस एक्स अपॉन वाई, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा आ चुका है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। इधर आके ये हो जाएगा प्लस माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे वाई का मान रख देते हैं, ये वाला वाई का मान कितना है, तो x इंटू वाई की वैल्यू है ये। ऐसे यहाँ भी रखेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू देखिए यहाँ पलट जाएगी, अपॉन में है तो पलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी और नीचे वाली ऊपर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से वन माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो लाना है ये पूरी वैल्यू ये लेकर आनी है, यानी कि वन प्लस वाई। तो इसको मैंने ऐसे काट दिया अंडर रूट वाई। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, इधर तो आ चुका है, इधर छूना नहीं है। एलसीएम है अंडर रूट वन प्लस के एक्स, तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ बचा एक्स वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स, और यहाँ बचा ये हो गया प्लस एक्स और यहाँ वन। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एल्शियम ले लिया। एल्शियम क्या है यहाँ पे, अंडर रूट वन प्लस एक्स। तो यहाँ क्या बचा, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, और ये अंडर रूट वन प्लस एक्स ये हट जाएगा। देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स, ये वन प्लस के एक्स बचेगा। मजा आ रही बात, ये इधर जाएगा, इसका ये अंडर हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट वन माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन माइनस एक्स बचा, अंडर रूट वन प्लस के एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, कितनी है वैल्यू, माइनस के वाई। और इधर हम पहले चल ही रहे थे, यहाँ कितना आ गया हमारा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। तो कितना हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक थी, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसको हम देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल से इससे हम कर देंगे। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन माइनस एक्स अपॉन ए। आप देखो इसे करेंगे फर्स्ट और सेकेंड से। अब दो फंक्शन प्लस में है तो पहले तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल होगा, यानी पहले का अलग होगा और दूसरे का अलग होगा। तो मैं पहले अलग अलग लिख देता हूँ इनको। कौन से रूल से लिखा, सम एंड डिफरेंस रूल से। आप देखेंगे ओके। अब देखिए क्या करना है, जब कांस्टेंट साथ में हो, चर के साथ में हो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट को मैंने क्या करा, बाहर निकाल दिया। आप देखिए करें, आप बिल्कुल प्योर बचा है जिसका हमें डिफरेंशियल करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखिए कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब जो प्योर वाला बचा है उसका हमें डिफरेंशियल करना है। अब इससे करते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ फर्स्ट सेकंड हटा देते हैं। तो करेंगे देखिए फर्स्ट सेकंड से वन अपॉन टू, ऐसी फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशियल। रूट का डिफरेंशियल क्या बताया था मैंने, वन अपॉन टू रूट एक्स। और ये चेन सिस्टम से भी करेंगे, पहले रूट का फिर इसके अंदर वाला, यानी कि चेन रूल से भी करना है। तो इसका हो गया फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का डिफरेंशियल। चलो मैं पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि चेन रूल से करना। सेकेंड ऐसे रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है। साइन वर्स का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन वर्स का देखिए वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ये भी चैन रूल से होगा, पहले साइन वर्स का फिर एक्स अपॉन का। तो इसका होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब एक्स अपॉन ए का और करना, एक्स का वन हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। जब कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो तो वेरिएबल कर देना, कांस्टेंट ऐसे रहता है, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन टू एक्स, अंडर रूट करेंगे पहले। अंडर रूट का होता है वन अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब ये चैन रूल भी है, पहले रूट फिर इसके अंदर का, ठीक है। पहले एफ का फिर जी का। तो ए स्क्वायर का हो जाएगा जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स का डिफरेंशियल वन, यहाँ इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर एलसीएम लेंगे। देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर। ये वाला जो टू है, इस टू को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये स्क्वायर बाहर आके ए रह जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वन अपॉन टू, चलो ये चल ही रहा, चलते हैं अभी, देखते हैं कहाँ पे चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टू से टू तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। और यहाँ ए स्क्वायर बाहर आके ये हो जाएगा ए, तो ऊपर ए स्क्वायर हो जाएगा टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हो गया वन, ठीक है। तो पहले मैं तो इसके अंदर का एलसीएम लेता हूँ, तो अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा एलसीएम अंडर रूट में। तो यहाँ कितना बचेगा, वन एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ए स्क्वायर अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं पूरे में एलसीएम ले लेता हूँ, देखिए टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, पूरे में एलसीएम लिया मैंने, टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का, तो पहले प्लस वाला लिख दो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचा प्लस का ए स्क्वायर। तो मैं ये देखिए लाइन यहाँ कर देता हूँ, ए स्क्वायर हो गया टू ए स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दो लाइन और है इसकी, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से काम चल जाएगा। चलो यहाँ कर देता हूँ, देखिए टू कॉमन ले लें यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड तो चलिए, टू कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे ए स्क्वायर माइनस टू से टू कट गया। अब मैं ऊपर वाले को देखिए इसे ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते ना। और ये अंडर रूट वाले से कैंसिल हो गया, कितना आया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आ गया, आ गया, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। देखिए आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, आप जितने लाइक और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को करते रहेंगे मैं उतना ही मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप दबा के लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मैं दबा के आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स सो मच।